पाक विस्थापितों के मामले में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बयान दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पाक विस्थापितों को करना पड़ रहा है समस्या का सामना, लॉकडाउन के चलते विस्थापितों को आ रही है परेशानी, विस्थापित सरकार की योजनाओं से वंचित हैं, सरकार को विस्थापितों की मदद करनी चाहिए, मारवाड़ में खासी तादाद में पाक विस्थापित है। जानते हैं कि बहुत बड़ी संख्या विस्थापितों की है, खासतौर पर पाक विस्थापित जो राजस्थान में रह रहे हैं, खासतौर पर मारवाड़ में, जोधपुर संभाग में जिनकी बड़ी संख्या है, यूं तो पूरे प्रदेश भर में लेकिन मारवाड़ में खासतौर पर, जो मुख्यमंत्री का खुद का गृह क्षेत्र भी है। लेकिन नागरिकता संशोधन कानून किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के ईगो का प्रश्न बना हुआ है, एक तरफ मोदी जी की सरकार ने ऐसे तमाम विस्थापितों को नागरिकता का प्रयत्न किया और ऐसे जो लोग किसी वजह से नागरिक नहीं बन पाए और सरकार की किसी योजना से नहीं जुड़े, उनको निश्चित रूप से इस वैश्विक महामारी के दौरान लॉकडाउन के कारण परेशानियों का सामना निश्चित रूप से करना ही पड़ रहा है। बाकी लोग जो किसी न किसी योजना से जुड़े हैं, उनके खाते में जनधन के 500 रुपए, राशन NFS से जो लोग जुड़े उनको राशन की व्यवस्था, या किसी न किसी कारणों से उनको उचित व्यवस्था निश्चित रूप से सहयोग के रूप में मिल रही है। लेकिन ये तमाम पाक विस्थापित सरकार की मेहरबानी से अभी भी वंचित हैं। क्यों? क्योंकि सरकार के लिए नागरिकता संशोधन कानून अपने आप में एक अभिमान